हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज मेरे पास आया फ्रेंड्स एक आईफोन 5S, जिसमें कि देखिए यहाँ से इसको ऑन करता हूँ तो इसमें iTunes पे अटक जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे जो, ठीक है, तो देखिए अभी डिस्प्ले भी इसकी रिपेयर करनी है हमको। और ये देखिए अभी इसमें दिक्कत दूसरी है कि एप्पल लोगों के बाद ये iTunes पे अटक जाता है, इसे आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, इन्होंने कहीं दिखाया था तो उन्होंने रिटर्न कर दिया है कि ये iTunes पे डेटा उड़ जाएगा, लेकिन हम लोग इसका डेटा बचाने की कोशिश करेंगे कि इसका डेटा जो भी है इसका डिलीट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि इनका डेटा डिलीट ना हो, सब इनका सेफली हो जाए काम। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसकी अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके कि इसका डेटा कैसे बचाएं। सबसे पहले जैसे हम हर फ़ोन को रिस्टोर करते हैं तो सबसे पहले आपको होम बटन दबा के रखना पड़ेगा। वैसे इसमें iTunes पहले से ही है तो हम इसमें होम बटन नहीं दबाएंगे, तो उसको मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ से ये इसके बाद iTunes पे आ जाएगा तो अपने आप ये हमारे लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि अगर कभी भी आप फर्स्ट टाइम कोई फ़ोन iTunes पे कनेक्ट कर रहे हो आईफोन, तो कुछ स्टेप मांगेगा डाउनलोडिंग के लिए, वो आप कर लेना। ठीक है, तो दिखाता हूँ कौन से स्टेप हैं। पहले इसमें आ गया, देखिए iTunes इसमें आ गया है, तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से भी ये अपडेट है, रिस्टोर आ रहा है, तो हम पहले अपडेट करके देखेंगे कि इनका डेटा डिलीट ना हो। ठीक है, तो इस पर अपडेट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद फिर अपडेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट उसका वर्जन आया है 1.26, तो क्लिक कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से एक विंडो खुली है, ये हमें बताइए ये जो वर्जन है सॉफ्टवेयर अपडेट का, ये आपको पहले आईफोन का जो अपडेट है ये आपको पहले अपने फ़ोन लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका वर्जन है। ठीक है, तो चलिए इस फ़ोन को डाउनलोड करते हैं यहाँ पे, फिर इसको अग्री कर देते हैं। दूसरी विंडो है, अग्री कर दीजिए यहाँ से। तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड, अब आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ डाउनलोडिंग चालू हो गई है। ठीक है, तो डाउनलोड ये हमारा अभी जो सॉफ्टवेयर है इसका आईफोन 5S का अभी ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, जब तक हम ये फ्रेंड्स में टोटल 16 मिनट लगेंगे, जब तक हम वेट कर लेते हैं। मैं थोड़ा वेट कर लेता, वीडियो पॉज कर दूंगा जिससे कि हमें इतना वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए, तो फ्रेंड देखिए अब इसमें ये होने वाला है, 13 सेकेंड हो गया है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होने वाला, ये अपडेट होने वाला है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये रिस्टार्ट हो रहा है हमारा मोबाइल। तो अब चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ से आप इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड ही हो रही है। ठीक है, तो इसको डाउनलोडिंग करते हैं यहाँ से, पहले होने देते हैं। वैसे फ्रेंड जब तक आप वेट करोगे अपडेट पे क्लिक नहीं, जब तक नहीं करोगे ये हटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको फिर रिस्टोर करेंगे, अपडेट करेंगे फिर रिस्टोर नहीं करेंगे। अगर रिस्टोर कर देंगे तो हमारा फ़ोन फॉर्मेट लग जाएगा, तो आपको अपडेट पे ही क्लिक करना है, जिससे कि क्या होगा अपडेट करने से इसका इनका जो डेटा है ना फ्रेंड वो बचा रहेगा। तो कभी फ्रेंड आपके पास ऐसे फ़ोन आते हैं जिनमें iTunes पे अटका हुआ है, कहीं से कस्टमर करके लाया वो भूल गया या आपसे ही हो गया हो, तो अपडेट करो। कई अगर बाई चांस कोई फ़ोन रिस्टार्ट भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एप्पल लोगों पर अटक रहा है, तो आप उसको एक बार अपडेट करके देखना। अगर अपडेट करके देखोगे तो उनका डेटा बच जाएगा, ना कोई एप्पल ID मांगेगा, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब आपको मैं अपडेट और रिस्टोर आप पे है तो मैं अपडेट पे ही क्लिक करूँगा, क्योंकि रिस्टोर से क्या होगा कि हमारा फ़ोन ही फॉर्मेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपडेट करूँगा। तो आपको अपडेट ही करना, आपको रिस्टोर बिल्कुल नहीं करना है, जब भी आपका डेटा बच सकता है, वरना डेटा नहीं बचाने कोई रास्ता नहीं है, अपडेट ही एक रास्ता है। तो क्या पता है अपडेट करने का कस्टमर अपडेट कर रहा हो उसकी वजह से लग गया हो। चलिए अपडेट कर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिस्टोर है तो हम रिस्टोर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अपडेट करेंगे, तो अपडेट पे चलिए क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्जन जो बता रहा है नया जो आया इसका, अब उसमें उसको करेंगे इंस्टॉल, अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया तो ऊपर देखिए यहाँ से हमारी एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर चालू हो चुका है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर। तो अब इसको हम होने का वेट करेंगे, मैं वीडियो पॉज कर दूंगा जिससे कि हम आगे का स्टेप कर सकें, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा टाइम लगेगा तो मैं इसको अभी चलने देता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करता रहूँगा क्योंकि फ्रेंड्स में टाइम बहुत लगता है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें अब देखिए वेटिंग फॉर आईफोन लिखा हुआ आ गया, तो इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसलिए फ्रेंड मैं इसमें पॉज कर दे रहा हूँ, वरना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर इसमें कुछ करना नहीं होता, खाली अपडेट क्लिक किया, वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने आप ही ऑटोमेटिक ही सब कुछ स्टेप कर देगा और आपका फ़ोन फ्लैश कर देगा। ठीक है, तो अभी हम वेट करते हैं इसका, वेटिंग फॉर आईफोन, यहाँ पर देखिए प्रिपेयरिंग और आईफोन एंड रिस्टोर्स अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट, तो बता रहा है, देखिए यहाँ पे कंफर्म हो रहा है अपडेट, तो वेटिंग कर लेते हैं अब, वेटिंग इस आईफोन, तो वेरीफाइन हो रहा है अब। ठीक है, तो फ्रेंड ये अपडेट हो जाएगा और ये अब देखिए यहाँ से हमारी अपडेटिंग चालू हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से अब ये डाउनलोडिंग का मोड आ गया है,
तो यहाँ इसको ओपन प्ले होने देते हैं। सही बताओ मैं मैक्सिमम फ्रेंड, इसमें टोटल आपको ना ना करके करते आधा घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा, कुछ भी करते करते आधा घंटा मैक्सिमम लग ही जाएगा। वैसे होता तो 15-20 मिनट का काम है, लेकिन डाउनलोड करना, सॉफ्टवेयर रिप्लेस करना, इसको करते टोटल मिला के आधा घंटा आपका लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो में भी आधा घंटा नहीं बनाता, क्योंकि बाकी चीज़ तो फ़ायदा ही नहीं है, कुछ छोड़ देना है बस, कुछ नहीं करना, इसलिए बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपडेटिंग यहाँ पर चालू हो गई है, तो हमारा फ़ोन अब अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड कभी भी आईफोन इस तरह के आए जो आईट्यून पे अटका हो या रीस्टार्ट हो रहा हो, तो कभी पहले सबसे पहले आप उसको अपडेट करके देखना। ठीक है, अपडेट से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रीस्टोर ही करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए अपडेट करके ही देखा, तो देखिए अपडेट चालू हो गई। इसमें इससे क्या होगा फ्रेंड, इनका जो डेटा था सारा वो बच जाएगा और ये फ़ोन पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना कोई आईडी मांगेगा, ना कोई पासवर्ड मांगेगा, सीधा ये फ़ोन हमारा ओपन हो जाएगा। तो इसको होने देते हैं अपडेट। इससे पहले फ्रेंड मैंने वीडियो बनाई थी आईफोन की 5S की थी, उसमें भी ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम थी। मैंने अपडेट भी किया था पहले लेकिन नहीं हुआ था, उसके बाद मैं रीस्टोर किया तब जाके हुआ। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये तो इसमें आईट्यून पे अटका हुआ था, तो इसके बाद ही मतलब दिक्कत आई है, वरना कोई कोई तो इसमें रीस्टोर ही मार देते हैं और हमारा सारा डाटा इनका उड़ा देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले रीस्टोर मत करना, पहले अपडेट ही करना, उसके बाद देखना। ठीक है, तो हमारा फ़ोन अब ये वेरीफाइड पूरा हो रहा है, इसको होने देते हैं अच्छे से। तो यहाँ से होने वाला है, तो हम वेट ही करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वेट करते हैं जब तक ये हो ना जाए। कंप्लीट तो हो ही गया है वैसे, अब आगे का स्टेप हम करेंगे इसमें, वेरीफाइंग अपलोड अपडेटेड आईफोन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद अपना आप ये बंद हो जाएगा, हमारा फ़ोन रिकवर हो जाएगा। यहाँ से अपडेटिंग आईफोन फर्मवेयर जो उसका होता है वो अब उसका अपलोड हो रहा है। फ्रेंड मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताया कि कभी फ़ोन आए तो उसको पहले होम बटन पर प्रेस करके उसके बाद आईट्यून पर लगाइए, फिर अपडेट या रिस्टोर पर क्लिक करोगे वहाँ से एक विंडो खुलेगी, फिर अपडेट करिए, उसके बाद एक बड़ी सी विंडो वो होगी कि डाउनलोड करने के लिए कि आप इस फ़ोन का वर्जन लेना चाहते हो, तो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। मैक्सिमम 15-20 मिनट लगेगा तो आपका फ़ोन वो डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर, उसके बाद आपको अपने आईफोन में ये अपडेटेड इंस्टॉल करना है। ठीक है, अपडेटेड हो या फिर या रिस्टोर हो, क्योंकि फ्रेंड कोई सही फ़ोन हो पहली बार लगाओगे तो वो डाउनलोड का ही बताएगा पहले, इससे अच्छा है आप अगर फ्रेंड आप इसी से डाउनलोड करोगे लगा के तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। इससे क्या होगा फ्रेंड, आप कहीं और जाके आप डाउनलोडिंग के लिए ढूंढोगे इसका वर्जन तो आप समझ नहीं पाओगे, ना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इससे अच्छा है फ्रेंड इसी पे ही आप डाउनलोड करना, कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिक ही इसका ही करेक्ट वर्जन इसमें मिलेगा और आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप इंटरनेट पर जाकर डाउनलोड करोगे, आप फ़ोन नंबर, फ़ोन का मॉडल देखोगे, क्या क्या उसमें चेक करोगे, उसके बाद उसको डाउनलोड करना है, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, गूगल पर जाकर देखोगे। इससे अच्छा है फ्रेंड आप सीधा आईट्यून पर जाइए, फ़ोन कनेक्ट करिए और ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड कर लेगा, वो भी यही वर्जन, आपको कुछ भी नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको डाउनलोड करिए। देखिए फ्रेंड जैसे मैंने आपको दिखाया था, कुछ भी मैंने नहीं किया है, कोई इंटरनेट नहीं खोला, सीधा मैंने आईट्यून पर कनेक्ट किया, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और सिंपली हो गया। तो यही एक बेस्ट तरीका है फ्रेंड, आप कहीं भी गूगल पर मत जाइए, इस तरह यहीं से डाउनलोड करिए, आप अच्छे से इसमें काम कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, ना कुछ सोचोगे ज़्यादा कि कहाँ से डाउनलोड करें फाइल, इसकी फर्मवेयर वगैरह कुछ नहीं, ऐसा फ्रेंड कुछ नहीं बताया इसमें फर्मवेयर वगैरह, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब कुछ डाउनलोड इसी में ही हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना। एंड्रॉयड फ़ोन में होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड्रॉयड में क्या क्या लेना पड़ता है, यूएसबी ड्राइव लेना पड़ता है, उसका सॉफ्ट फर्मवेयर लेना पड़ता है, क्या क्या लेना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसान भी है। तो देखिए अभी हमारा सब कुछ हमारा ओके हो चुका है, तो यहाँ हम उसके फ़ोन को अभी ये रिस्टार्ट होने देते हैं, तो हम वेट करेंगे थोड़ा इसका। तो यहाँ से फ्रेंड अब ये फ़ोन ऑन हो गया है, अब यहाँ इसका वेट करेंगे, ये लास्ट सेटअप हमारा चल रहा है, इस लास्ट स्टेप के बाद हमारा मोबाइल ओके हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डाउनलोडिंग ये ख़त्म होने वाली है, तो आप देख सकते हो यहाँ से इसको ये डाउनलोडिंग पूरी हो गई। तो डेटा बचाने का फ्रेंड सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी आईफोन आपके पास आए कभी भी रिस्टोर मत करिए, लेकिन फ्रेंड आप डेटा का रिस्क कस्टमर को दे देना कि ताकि बाद में कोई दिक्कत होती है अपडेट से ना हुआ तो आपको रिस्टोर करना पड़े, इससे अच्छा है कि पहले आप
डेटा का रिस्क दे देना, ठीक है डेटा उड़ जाएगा ऐसा कह देना, बाकी डेटा बचाओगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो अब उड़ने का रिस्क तो लेना ही लेना, ऐसा नहीं है कि मना कर देना, आप रिस्क तो ले ही लेना, ठीक है। ये पहले बोल देना कि इसमें डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा फ़ोन अब ऑन हो गया, ओपन हो गया, तो देख सकते हैं आप, ठीक है देख सकते हैं आप, ये फ़ोन हमारा ओपन हो गया। तो ये हमारा, ये देखिए इसका होम बटन शायद वर्किंग नहीं है, ये देखिए होम बटन इसका वर्किंग नहीं है, तो ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड फर्स्ट टाइम खुल रहा है तो हैंग हो रहा है, तो देखते हैं इसको क्या दिक्कत है, फिलहाल ठीक है। तो फ्रेंड देखिए हमारा फ़ोन अब ओके हो चुका है, कुछ भी हमने फ्रेंड नहीं किया, सिंपली था। अगर हम रिस्टोर कर देते हैं, रिस्टोर पर क्लिक करते हैं तो हमारा बेकार में सब कुछ अटक जाता है, सेटअप वगैरह करना पड़ता है, ये आईट्यून वगैरह डेटा भी उड़ जाता है वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सब डेटा इनका सेफ है, सारी फ़ोटोज़ वगैरह इन कस्टमर की सारी सेफ है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड आप कोई भी आईफोन को डेटा सेफ करके फ़ोन को अपडेट कर सकते हो कंप्यूटर से, ठीक है। तो यह था फ्रेंड आज का वीडियो कि बिना डिलीट किए डेटा आप फ़ोन को अपडेट आईट्यून से कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं आपको ऐसे आईफोन के वीडियो बना बना के दिखाता रहूँगा जिससे आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। थैंक यू।